तौबा तेरा जलवा, ये 2024 की पहली फिल्म होगी जो रिलीज़ हो रही है, और अमीषा पटेल जी की ये फिल्म गदर 2 के बाद ये अगली फिल्म है। और ये इट्स अ हम जैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव। ये प्रेम कहानी नहीं है, ये प्रेम की कहानी है। तो आप कुछ लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि ये प्रेम की कहानी कैसे है। तो क्या होता है ना, हम लोगों ने हमेशा फिल्मों में देखा है, एक लव स्टोरी तो हमने देखी है, पर प्यार क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका क्या प्रोसेस है, ये बड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं। इसके पीछे हज़ारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने और फिलोसोफर्स ने वर्ल्ड वाइड इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन आमतौर पर हमारे फिल्म में क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, एक दो सीन्स होते हैं, गाना होता है और प्यार हो जाता है। लेकिन इस फिल्म में हमने प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव है, और उसके पीछे के लॉजिकल रीज़न क्या है वो हमने बताई है इसमें। लेकिन हमने और प्यार किस हद तक आपको ले जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसके ऊपर है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसको हमने इस तरह से नहीं किया है कि ये बड़ी बोरिंग सी लगे, क्योंकि फिलोसॉफिकल बातें हैं, फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं इसमें, डिस्कशन है। तो इसको हमने बड़ी इंटरेस्टिंग में रखा है कि आज का यूथ जो है, मतलब जो हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और जिन्होंने भी जीवन में प्रेम किया वो सब इससे रिलेट कर सके। तो इस तरह के हमने लोगों इसको एक उस तरह से जोड़ा है चीज़ों को, मतलब उसको इंटरेस्टिंग रखा है। विटी डायलॉग्स है बहुत इसके, आप लोगों ने कुछ ट्रेलर्स में भी देखे होंगे, हालांकि ट्रेलर की से फिल्म को जज मत कीजिएगा, फिल्म बहुत भव्य है, बहुत अलग लेवल पे है। और हर आप लोगों के थ्रू ये मेरा एक तरह से कह सकता हूँ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर फिल्म अच्छी ना लगे तो आपके चैनल के नीचे जाके लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और मैं आके उसको लाइक करूँगा। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर किसी को भी लगता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं, ऑडियंस से कोई भी देखे, देखने का तो अच्छी ना लगे, आगे बिल्कुल लिखे, मैं खुद आके लाइक करूँगा उसको। जी सर, कोई भी लव स्टोरी हम देखते हैं, उसका जो बेस्ट पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो म्यूजिक होता है, स्टारकास्ट होता है। अगर थोड़ा सा बताया, स्टारकास्ट कौन सी है, कैसे आपने फाइनलाइज किया, क्या प्रोसेस था उसका, क्यों यही स्टारकास्ट, और इसके अलावा म्यूजिक के बारे में जी। देखिए, एक तो क्या है, इसका जो म्यूज़िक है वो विक्रम मॉन्ट्रोज ने दिया है, जिन्होंने कई हिट गाने दिए हैं, संजू से लेकर शेरशाह और कमांडो, इनके गाने दिए हैं विक्रम मॉन्ट्रोज ने, और गाने इसके बहुत पेपी है। आजकल में शायद ये जी म्यूज़िक पे अभी शुरू भी हो गया होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत कमाल के उसके गाने हैं, एकदम तुरंत हिट होने वाले गाने हैं। और जो हम कास्टिंग की बात करें तो इसमें हमारे जैसे इनको मैं क्या कहते हैं, अमीषा जी को मैं पहले से जानता था, मैं गदर में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो यूँ कह सकते हैं कि अनिल जी की फिल्म अभी आई और गदर 2, उसके बाद अमीषा जी की अगली फिल्म जो है उनके असिस्टेंट आकाश आदित्य लामा के साथ है, अनिल जी एंड आकाश आदित्य। तो उस तरह का ये संयोग है, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था। और लव स्टोरी है इसमें, मुझे जो लैला खान है, जो ये भी एक संयोग है कि सकीना अली और लैला खान, अमीषा जी की एक जर्नी है सकीना अली से लैला खान तक की। तो ये लैला खान का कैरेक्टर जो है वो एक फ़िलासफ़ी की स्टूडेंट है, वो फ़िलासफ़र है, लंदन से आई है, और वो उनकी जो है एक सोच है प्यार को लेके, एक तरह से कह सकते हैं कि वो लव गुरु की तरह है, लेकिन जब लव गुरु को खुद लव हो जाए तो क्या होता है, तो इस तरह का कैरेक्टर है। दूसरा है हमारे अपना राजेश शर्मा, राजेश जी जो है वो उनका नाम है सैयद अहमद, प्रोफेसर है वो बेसिकली, और वो भी फिलोसोफर है, और वो ओशो के बड़े भक्त है, मतलब हमने दिखाया है कि ओशो के, ये बड़ा यूनिक लगेगा कि ऐसा, लेकिन एक्चुअली जो अमीषा जी का कैरेक्टर है ये भी एक रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और जो राजेश शर्मा जी ने जो कैरेक्टर किया वो भी एक्चुअली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। उनको मैं मिला हूँ रिसेंटली, कुछ समय स्क्रिप्ट लिखने से पहले, हैदराबाद के हैं वो, खान साहब है, तो उनसे मैं मिला था, तो उन्होंने अपनी, वो ओशो के बड़े फॉलोअर थे, ओशो को बहुत कोट करते थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर ये कैरेक्टर बना राजेश शर्मा जी का, प्रोफेसर सैयद। और तीसरा जो है हमारे जतिन खुराना जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उनकी ये थर्ड फिल्म है, तीसरी फिल्म है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे डांसर है, कमाल के डांस करते हैं, एक्शन वगैरह, फिटनेस उनकी बहुत, एकदम फिटनेस फ्रीक है। तो उनकी एक ये स्टूपिड प्यार करके एक फिल्म थी, उसके बाद उनकी जय जवान जय किसान, और ये उनकी तीसरी फिल्म है। एंजेला किन्स्लिस्की जो विक्रम भट्ट के शायद 1921 में थी, वो उनको आपने देखा होगा, वो इंडो पॉलिश एक्ट्रेस है और बहुत टैलेंटेड है, उनकी एक तरह से कह सकते हैं डेब्यू है ये हिंदी में, और उन्होंने उनका कैरेक्टर है रिंकू कुमारी, रिंकू कुमारी जो मैं बेसिकली टीवी में बहुत सारे शोज लिखे, करीब 3000 एपिसोड टीवी के सास बहू वाले सीरियल लिखे हैं, कुसुम कुमकुम,
प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आक्रोश, पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा, इस तरह के बहुत सारे शोज लिखता था मैं। 2013 तक मैंने बहुत टीवी किया। और टीवी का असर क्या होता है फैमिली लाइफ में, लोगों के घर में जो अभी देख रही होंगी, महिलाएं देख रही होंगी या जो पुरुष भी देख रहे होंगे, उनको पता है कि वो टीवी का असर एक्चुअली उनके व्यक्तिगत जीवन में कितना पड़ता है। घरों में लड़ाई झगड़े किस तरह से होते हैं, वाइफ जो है, वाइफ हाउस वाइफ जो है, लड़कियाँ जो यंग लड़कियाँ, वो टीवी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो हमारी जो रिंकू कुमारी है, ये बहुत ज़्यादा टीवी से इन्फ्लुएंस है, टीवी के कैरेक्टरों के हिसाब से अपने आप को बिहेव करती है। जो एंजेला का कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो अब जो है, और अपने तो इस तरह के चार कैरेक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, नीरज सूद है, आसान खान है, मनोज टाइगर है, डॉक्टर अनिल रस्तोगी है, जहांगीर खान है, सब कैरेक्टर अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन जब इंटरेस्टिंग बात यही है कि जब इस तरह के लोग एक साथ आते हैं, एक टीवी देखने वाली लड़की और एक फिलोसोफर, जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा। जब एक जो है रोमी त्यागी, जो कि वेस्टर्न यूपी का एक समझ ले रहा, एक तरह से अंडरवर्ल्ड का या कह सकते हैं माफिया के तरह का इंसान है, उसके लाइफ में एक लंदन से आई हुई अमीषा पटेल, उनका क्या होगा। जब इस तरह के वियर्ड एक अलग अलग दुनिया के लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, तो वो तौबा तेरा जलवा होता है। You can't miss this film. Honestly speaking, I am saying it with full responsibility. You cannot miss this film because, again, as I said, ki if you don't like the film, you are free to comment on the your channel, and I will personally come and like that. If anybody doesn't like the film, the reason is that film is it's not love story. It's a story of love. प्यार को किस तरह से हमने प्रेजेंट किया है, ये अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है। हर डायरेक्टर फिल्म रिलीज़ होने से पहले ऐसे ही बैठता है और बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने कमाल फिल्म बना दी है, मैंने कमाल कर दिया। तो इस हो सकता है इस समय लोगों को लगे फिल्म कमर्शियली कितना करेगी नहीं करेगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इस फिल्म को देखेगा आई एम श्योर उसको फिल्म बुरी नहीं लगेगी। मैं आई कैन से दिस विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल लव द फिल्म, दैट आई कैन अश्योर यू। जी एक्चुअली मेरी पहली फिल्म तो 2012 में रिलीज हुई थी एज अ कमर्शियल फिल्म। मैं आई केम टू बॉम्बे एज टू बिकम अ डायरेक्टर, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। कुछ लोगों को शक्ल से मैं एक्टर जैसा दिखता हूँ, लेकिन आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर बिकॉज आई एम नॉट अ गुड एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। दो आई हैव एक्टेड सम टाइम, जब मैं कोई शो लिख रहा था, टीवी शो, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार कर लो थोड़ा रोल, तो बट आई वॉज नेवर अ गुड एक्टर। मतलब हालांकि एक्टिंग किया तो काफ़ी फेम मिला था, कुछ लोग जो देख रहे होंगे पिया का आंगन, जो कहूँगा सच कहूँगा, उस समय मैंने किया था, बट एक्चुअली मैं उसमें राइटर था, मेनली राइटर था, तो उसकी वजह से किया। लेकिन देन आई स्टार्टेड माई थिएटर ग्रुप, बेसिकली आई एम फ्रॉम थिएटर। मेरा पहला नाटक था जो काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम था, लिखा हुआ मोहनजोदड़ो, जो मैंने काम बहुत कम एज में लिखी थी। उस नाटक की वजह से जो है मेरा काफ़ी बहुत सारे टीवी के स्टार्स हैं जो उस नाटक से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जोधा अकबर सीरियल की जोधा, फिर वो परिधि, देवोलीना भट्टाचार्य, मिताली नाग, ये लोग हुआ। लेकिन क्या हुआ, मैं उस फिल्म के बाद मोस्टली आई वॉज इन टू थिएटर एंड देन आई वॉज इन टू सोशल वर्क। मैंने बहुत ज़्यादा, मैं कई बीच में बहुत साल सामाजिक कार्यों में रहा एंड देन आई मेड द फर्स्ट नागामिस फिल्म, नागालैंड की पहली फिल्म जो है उसका क्रेडिट भगवान की कृपा से मुझे मिलती है कि वो फिल्म मैंने बनाई नानी तेरी मोरनी के नाम से। और वो फिल्म काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम फिल्म है। आप लोग अगर देख उसके बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 2018 में गोवा में इफी होता है, उसमें इंडियन पैनोरमा सेक्शन में वो फिल्म सेलेक्ट हुई थी। वो एक नागालैंड की छोटी बच्ची है मोनबिनी जुम, उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है ना, जिसने आप 2014 की सबसे छोटी बच्ची जिसको नेशनल चिल्ड्रन ब्रेवरी अवार्ड मिला था, जो बाल वीरता पुरस्कार होता है, वो मिला था उस बच्ची को। तो वो था, फिर उसके बाद मेरा मैं दूसरी चीज़ों में लगा होता, फिर देन आई स्टार्टेड दिस फिल्म। हमने इस पर काम करना शुरू किया, इसके स्क्रिप्ट पे तौबा तेरा जलवा, वांटेड टू कम बैक एज ए फिर अगेन एज अ कमर्शियल डायरेक्टर, क्योंकि नानी तेरी मोरनी जैसा अभी यूनिसेफ ने भी दिखाई, ये साल भी लास्ट ईयर भी गोवा इफी में यूनिसेफ ने उस फिल्म को दिखाई, धनक, नागेश कुंभटूर जी की धनक, और मेरी फिल्म भी थी उसमें नानी तेरी मोरनी। लेकिन फिर मुझे लगा आई वॉन्ट टू मेक ए कमर्शियल फिल्म बिकॉज दैट गिव्स यू, पैसे भी मिलते हैं एंड यू गो टू वाइडर ऑडियंस। सो आई वॉन्टेड, मतलब मैं चाहता था मेरे चीज़ों को ज़्यादा लोग देखें। सो देन दिस आइडिया केम, बट बाई द टाइम वी स्टार्टेड द फिल्म
कोविड आ गया, कोविड के बाद यू नो कि सारी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो हमारे लिए फिल्म मेकर्स के लिए स्पेशली जो है पूरा एक सिनेमा का सिनेरियो चेंज हो गया, व्यूइंग चेंज हो गई है, सारी चीज़ें चेंज हो गई है, लोग जिस तरह से अपना लोग सोचने लगे OTT में फिल्म आ जाएगी, जैसे हमारी फिल्म अभी तक कोई OTT में आने का ऐसा प्लान नहीं हमने रखा है, हमारा बहुत क्लियर था हम थिएटर में ही लाएंगे फिल्म को, तो थिएटर में आने के लिए थोड़ा सा ऑडियंस अब आने लगी तो हमारे लिए सही समय था, तो ठीक है फिल्म, हालांकि उस हिसाब से अगर आप, क्योंकि हमारी फिल्म उस समय बहुत एडवांस थी, समय के से एडवांस थी, तो इसलिए नीदर टेक्निकली नॉ स्क्रिप्ट वाइज आपको स्टेल नहीं लगेगी ये फिल्म, आप जब देखिए पुरानी नहीं लगेगी, आप जब थिएटर में देखेंगे आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगी, लगेगी आज की फिल्म है, क्योंकि हमने शायद समय से थोड़ा पहले बना ली थी इस फिल्म का सब्जेक्ट और इसका जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा समय से एडवांस था, हालांकि कोविड में लोगों का थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा देखा, हमने OTTs को देखा है, तो उसके हिसाब से, लेकिन डेफिनेटली दिस फिल्म विल स्टैंड आउट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म, इट्स अ डिफरेंट सिनेमा। भाई आपने बात की डायरेक्टर और एक्टर की, यू नो जी, लेकिन हम तो अभी देख रहे हैं कि जैसे डायरेक्टर भी अनुराग कश्यप, ही इज आल्सो डूइंग गुड एज एन एक्टर, हिमांशु धुलिया है द कैमरा वॉसर में देखा, ये लोग भी जो यू नो कहते हैं कि एक डायरेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाता है एक एक्टर की, जो ऑफकोर्स उसी ने बनाई है फिल्म, उसी ने लिखी हुई है, तो आई मीन एज अ पर्सन अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से एक्टिंग का भी रोल अगर आगे कुछ होता है, या आपके ऑफकोर्स ऐसे कुछ है प्लान्स कि नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जैसे अनुराग कश्यप जी की आप बात कर रहे हो, तो अनुराग कश्यप जी जो है एक्टर ही बनने आए थे, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और मैंने उनके साथ शूट किया हुआ है एक जो TV series होते थे उसमें उन्होंने एक्ट किया था, और वो अभी दिखाऊंगा तो उनको भी बुरा लगेगा उनकी जो एक्टिंग थी, बट ठीक है अनुराग जी को, वो मेरे सीनियर भी है और मतलब तो वो एक्टर बनना चाहते थे, और मुझे तिग्वांशु जी भी मेरे ख्याल से थिएटर करते थे, मैं थिएटर में कभी कभार एक्टिंग करता हूँ, जब मेरे ग्रुप में कोई एक्टर नहीं होता है तो मैं कर लेता हूँ, जैसे मेरी आने वाली जो फिल्म है अगेन इसके बाद जो आ रही है मिलन होगा कब जाने, वो भी जो है मेरे एक नाटक है शबरी का मोहन, उसके ऊपर बेस्ड है, हालांकि कोविड के समय हमने उसका शो किया था, ऑनलाइन शो किया था, तो कोई एक्टर नहीं था, तो उसमें लीड रोल मैंने किया था, लेकिन जब फिल्म बनाई तो मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उसके लिए एक अच्छा एक्टर लेना चाहिए, तो मैंने FTI से एक्टर लिया, और अब जिस लड़की को मैंने लिया था राजनांदगांव से, सुरभि तिवारी, सुरभि श्रीवास्तव, उसका भी FTI में सिलेक्शन हो गया, तो इस तरह से मेरे साथ जो काम करते हैं, ये भी आपको बता रहा हूँ सारे एक्टर्स के लिए भी, मेरे साथ जो काम करते हैं उनका बहुत अच्छा टाइम आता है, मैं बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी दिला सकता हूँ, और जो भी आने वाली फिल्मों के लिए जो भी स्टार्स या एक्टर्स देख रहे हैं वो सुन लीजिए, मेरे साथ आप काम करेंगे तो आपका बहुत भला होगा, है ना, देखिए अमीषा जी मेरे साथ काम कर रही थी तो उनकी Gadar 2 आ गई, हालांकि ये बाद में आ रही है, तो मेरे साथ काम कीजिएगा सारे एक्टर्स के लिए, स्टार्स के लिए बोल रहा हूँ, एक्टर्स तो मिल जाते हैं, स्टार्स आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि ये मेरे इंटरव्यू सुनने के बाद आप लोग सोचिएगा कि मेरे साथ काम करने में फ़ायदा है, आई एम ए लकी डायरेक्टर। सर ये तौबा तेरा जलवा कब रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, कब ऑडियंस देख पाएगी? तौबा तेरा जलवा 5 जनवरी 2024 को रिलीज़ हो रही है, ये 2024 की सबसे पहली फिल्म है, और इस फिल्म को जो है इस फिल्म एक कह सकते हैं कि इस फिल्म से जो है आगे बोलते हैं ना क्या पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो हो सकता है ये फिल्म अच्छी चले तो 2024 बाकी फिल्मों के लिए भी अच्छा हो, तो मैं तो यही सोचूंगा। थैंक यू सर।